बिंदिया बहन कहाँ है? बिंदिया बहन? अरे वो अभी अभी बाजार गई है। समधी जी बुलाए ना उसे। मुझे अनहोनी होने का आभास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? यमजीत, आर्यन कपूर आपको यहीं मिलेंगे। चित्रगुप्त जी, हम अब इस आर्यन कपूर को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। समय आ गया है विधि का विधान बदलने का। अब जल्दी से उतरिए तो मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। देवी, पार्क मतलब तो बगीचा होता है। इस गाड़ी का बगीचा कैसे होगा? कोलू जी, पार्क मतलब बगीचा नहीं, पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करना। आप लोग उतरिए तो मैं गाड़ी खड़ी करके आती हूँ। देवी, लेकिन अगर गाड़ी आपने खड़ी की तो आगे कैसे चलेगी? चित्रगुप्त, उसे लेटे ही रहने दो प्रभु। चित्रगुप्त जी, हाँ? देवी गाड़ी खड़ी करना चाहती है, आप उतर जाइए वरना आप गिर सकते हैं। नहीं प्रभु। चलिए। मेरा दोस्त, मैं जानता हूँ इनको। अरे मैं जानता हूँ। रोल कैमरा एक्शन। तेरा वक्त आ गया है, अब तुझे यमराज के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यम है हम। चित्रगुप्त जी, ये कौन मनुष्य है जो स्वयं को यम कह रहा है? प्रभु, यमलोक में ऐसा एक मनुष्य आया था, इसका हुलिया तो हूबहू नाट्यकर्मी से मिलता है। धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये हमारी छवि खराब कर रहा है। चित्रगुप्त जी, जी हम इससे दंड देंगे। रुक जाओ नकली यमराज। अबे रुक जाओ। कौन है? मनुष्य। हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि यमराज ये नहीं, हम है यम। प्रभु, यम है हम। हाँ, यम है हम। और मनुष्य, आपका समय अभी आया नहीं, आप उठ जाइए। कौन है यार ये? ये पापी आपको गुमराह कर रहा है, और आप मनुष्य, हमारी छवि खराब करने के लिए हम आपको दंड अवश्य देंगे। तोड़ दी। 150 रुपये कदर तोड़ दी यार। अरे क्या हो रहा है भाई? ये सीन तो था ही नहीं स्क्रिप्ट में। सीन स्क्रिप्ट? अरे कौन हो भाई तुम दोनों? यहाँ ऑडिशन नहीं चल रहा है, शूटिंग चल रही है। शूटिंग? चित्रगुप्त जी, प्रभु शूटिंग मतलब या तो गोली चलाना या तो चलचित्र का चित्रण। यहाँ गोली तो कोई नहीं चला रहा, मतलब चलचित्र ही चल रहा होगा। अच्छा, ओ आप सब कलाकार हैं, हम क्षमा चाहते हैं मनुष्य, किंतु आप सभी को यह बता देना आवश्यक है कि यमराज ऐसे नहीं, हमारी तरह दिखते हैं। हम है यम, यम है हम। पुत्र, आप गलत सोच रहे हैं, हमारी छवि ऐसी है ही नहीं। ऐसे खड़े रहकर कहिए यम है हम। यम है हम? किंतु यम तो हम है पुत्र। अरे क्या तमाशा हो रहा है यार, कौन है ये लोग? छुट्टी के बीच में आ रहे हैं। अरे आर्यन सर, अभी मैं इनको यहां से निकालता हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे। आर्यन? आर्यन पुत्र, हम आप ही से बात करने आए हैं, कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। पुत्र? पुत्र? इतना बड़ा स्टार हूं मैं, मैं सुपरस्टार, तुम मुझे पुत्र बोल रहे हो? अरे हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग? अरे कौन है यार, निकाल इसको, बात मैं नहीं कर रहा शूटिंग। आर्यन पुत्र, ये बात बहुत ही, आप बात हमें उनसे हमारी बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। अकस्मात हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे बात को। मेरे दोस्त है, मैं जा रहा हूँ। आर्यन पुत्र तो हमसे नाराज हो गए प्रभु, अब क्या करेंगे? इधर देखो, उधर देखो, उधर क्या कमाल कर दिया आपने, काले यमराज से अच्छी एक्टिंग तो आपने की, बाय गॉड। यम जी, आर्यन कपूर से मिले ना आप? वो इधर देखो, इधर ही देखो। आप तो कह रही थी कि आपको हीरो वीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? चमन, यम जी को काम था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ आर्यन कपूर से मिलवाने के लिए लाई हूँ। इधर देखो, नहीं इधर ही देखो, यम जी का काम काम, मेरा काम सुखाम। मैं भी आर्यन कपूर से मिलना चाहता था, उसका कुछ नहीं। चमन प्लीज शट अप ना। ओके प्रभु,
लेकिन आर्यन कपूर तो हमसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए, अब उनको कहाँ ढूंढेंगे? इधर देखो, उधर देखो, आर्यन कपूर तो वो रहा। प्रभु चित्रगुप्त जी, जी हमें आर्यन कपूर को यहाँ से बाहर जाने से रोकना होगा। जी आप लोग यहीं रुकिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। सर प्लीज, आपका शॉर्ट आइडिया। डायरेक्टर के पास जाओ, उसको कहो कि मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं शूट नहीं करूंगा। ओके सर, मैं होटल में जा रहा हूँ, पैकअप करा लो। चित्रगुप्त जी। प्रभु वो रहे आर्यन पुत्र। प्रभु उन्हें पुत्र मत कहिए, अच्छा नहीं लगता उन्हें। हाँ हम संभाल लेंगे, आइए चलिए। आर्यन जी फिर आ गए तुम दोनों यार, क्या चाहते हैं तुम? बात करनी थी। हम बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। देखिए सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपके काम में बाधा पड़ी। दूसरी बात ये कि हम आपकी भलाई के लिए ही आपसे मिलना चाहते थे। वो हम चाहते थे कि आज आप यहाँ से बाहर ना जाएं। हाँ आपके योग में दुर्घटना लिखी। क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहाँ लिखे दुर्घटना? हमारी कर्म पुस्तिका में। वैसे कर्म पुस्तिका खो गई है, मिल नहीं रही, लेकिन अगर मिलती भी तो आप पढ़ नहीं पाते। अरे यार सर, कौन है यार ये लोग, कौन लाए इनको सेट पे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाई मैं अपने होटल जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। ओके सर, कनॉट प्लेस वाले होटल में आपका सामान रखवा दे। काम करो, लो गाड़ी की चाबी। जी गाड़ी साफ करो तो 5 मिनट में आ रहा हूँ। आर्यन जी हम बात करना अनिवार्य है, दुर्घटना घट जाएगी। देखो हम अब प्रभु वो देखिए आर्यन पुत्र का वाहन, अगर ये वाहन खराब हो जाए तो आर्यन पुत्र यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। चित्रगुप्त जी, जी हम इस वाहन को तोड़ तो सकते हैं किंतु इसे खराब कैसे करें? प्रभु प्रभु एक सुझाव है, ये जो वाहन का पहिया होता है जिसमें हवा भरी होती है, अगर चित्रगुप्त जी, जी आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। टूट गया। पंचर कैसे हो गया? स्टेपनी बदल देता हूँ, साफ खुश होंगे, शाबाशी देंगे। प्रभु ये तो तुरंत पहिया बदलने लगा। चित्रगुप्त जी, जी चलिए हमारे साथ। चलिए प्रभु। पुत्र जी हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? आप पूछो। आपके पास बदलने के लिए ऐसे कितने पहिए हैं? क्या मतलब, डिग्गी में एक ही पहिया होता है। और कोई पहिया नहीं? नहीं। ये इसकी हवा क्यों निकाल दिया? अरे मैडम देखिए, इन्होंने जानबूझकर इस पहिए की हवा निकाली। ओ पुत्र, हमने हवा इसलिए निकाली क्योंकि हम नहीं चाहते कि आर्यन जी यहाँ से बाहर जाएं। ये आर्यन जी की गाड़ी नहीं है, ये डायरेक्टर साहब की गाड़ी है। मैं आर्यन जी की गाड़ी साफ करने के लिए दूसरे को चाबी दी है। देखो ये जा रहे हैं आर्यन जी गाड़ी में। आर्यन कपूर। प्रभु मैंने कहा था होनी को नहीं टाल सकते, अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम होनी को बदलेंगे। चित्रगुप्त जी प्रभु हार नहीं मानेंगे। तुष्टी देवी जी, हाँ जी हमें लक्ष्मी चौक जाना है, क्या आप हमें ले जा सकती हैं? इधर देखो शॉर्टकट भी पता है मुझे, मैं जीप चलाऊंगा। चलिए लेट्स गो, शीघ्र चलिए।
जल्दी आगो पुत्र, समय बहुत कम है हमारे पास। इधर देखो, उधर देखो, उधर तो गेट बंद है, आगे नहीं जा सकते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लक्ष्मी चौक कहाँ पड़ता है? प्रभु लक्ष्मी चौक तो वही है जहाँ हम तात्या छोटे से मिले थे। डोंट वरी याम जी, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ओ हेलो गोलू फ्रेंड, याम जी कहाँ गायब हो गए? चौक आ गया, आ जा। आर्यन कपूर नाम के व्यक्ति के वाहन के साथ अपने बहन की दुर्घटना होगी। आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते। इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है, होनी को नहीं टाल सकते। अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। बिंदिया, अरे आगे करो। बिंदिया बहन, आपको एक गाड़ी रोक दो। कुछ नहीं होगा आपको, हम है ना बिंदिया बहन। कुछ करो प्लीज। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, हम वाहन का प्रबंध करते हैं। भाई आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट होने वाला है? बिंदिया बहन को लेकर आ रहे हैं। यम जी,
अरे यम जी क्या हो गया? यमराज, अरे यमराज कुछ करो। बिंदिया दीदी को क्या हो गया? ओ गॉड, इधर आ, इधर आ यम जी। चमन प्लीज 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 आइए आइए। अरे बिंदिया दीदी क्या हो गया इनको? चमन पुत्र शीघ्र चलो, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम लोग चलो, मैं ऑटो में आता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ यहाँ से। बिंदिया बहन आपको कुछ नहीं होगा। बिंदिया बहन आके खोलो, कोई कोई है? भाई साहब हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, कोई कोई वैद्य है यहाँ पर? अब डॉक्टर से पूछिए, मुझे क्या मालूम। हाँ वैद्य कोई? बिंदिया बहन हम पहुंच गए, हम चिकित्सालय पहुंच गए, हम वैद्य को ढूंढ कर लाए। देवी जी हमारी बहन है ये, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, कोई वैद्य को बुला दीजिए, हमारी मदद कर दे कोई। हमारी बहन बीमार है, हम कब से परेशान। देवी जी आप किसी वैद्य को बुला दीजिए, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी, कोई तो होगा। देवी जी भाई साहब हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, हमारी मदद कर दीजिए, किसी वैद्य को बुलाइए आप। अरे कोई बिटामिन आओ बिटामिन, हम पहुंच गए, किसी वैद्य को बुला दीजिए। देखिए आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भरिए। अरे कौन सा फॉर्म, क्या होता है फॉर्म? प्रभु क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रभु क्या हो गया मनुष्य को? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वैद्य कौन है यहाँ पर? रहे हो तुम वैद्य कौन है? नहीं हूँ भाई। ये हमारी बहन जी, इन्हें चोट लगी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, हम इन्हें देखते हैं अभी। गुड बॉय, आइए हम ले लें, सब ठीक हो जाए। वैद्य जी आ गए, प्रभु ठीक हो जाएगी। प्रभु घबराइए मत, कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को। सिस्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वैद्य जी हमारी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आप अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप बाहर जाइए प्लीज। नहीं वैद्य जी, हम अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा यदि हम यहाँ रहेंगे तो। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। प्रभु बाहर चलिए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। किंतु बिंदिया बहन आइए। प्रभु आप बाहर। सिस्टर बिंदिया कपूर नाम का कोई पेशेंट, इधर अच्छा। पापा जी क्या हुआ? क्या हुआ बिंदिया को? नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर उसे अंदर लेके गए हैं, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। हम तो पहले ही कह रहे थे कि बिंदिया को घर से बाहर अकेले मत जाने दे, हम बहुत ही बुरा सपना देख ही रहे, लेकिन इन दोनों ने हमारी बात मजाक में उड़ा दी। अब देखो क्या हो गया, अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना तो हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, हमारे होते हुए बिंदिया बहन को कुछ होने देंगे नहीं हम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।